कोरोना वायरस को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं और पीएम मोदी ने वायरस के आने वाले आपदा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और देश को संबोधित किया है, जिसे लेकर लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। घरों पर जरूरतमंद सामान के लिए लोग बाजार में निकल रहे हैं, जिसका नजारा मथुरा में मेडिकल की दुकानों पर देखने को मिला, जहां सामान्य भीड़ भाड़ से अधिक भीड़ का नजारा देखने को मिला। इस दौरान लोगों से बातचीत करते हुए बताया कि जो चर्चाएं चल रही हैं कोरोना वायरस को लेकर, उसके लिए बाजार भी बंद रहेगा और आगे भी हो सकता है। उसके लिए हम जरूरी चीजों को बाजार से खरीद रहे हैं। दवाई लेने के लिए आई है, आधे घंटे से खड़े हुए हैं, बहुत भीड़ हो रही है, दवाई मिल नहीं रही है। माना जाए कोरोना वायरस की दहशत की वजह से, और क्या, उसी की दहशत की वजह से। हाँ जी, कोरोना वायरस की दहशत की वजह से लोग घरों में दवा का स्टॉक कर रहे हैं। हाँ, दवा का स्टॉक कर रहे हैं, कल मार्केट बंद है बिल्कुल, और आगे भी हो सकता है शायद। तो हड़बड़ा, बहुत घबराहट है आदमी लोगों को, पब्लिक को परेशान है, पब्लिक की समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए।